वीडियो है वो है मारुति सुजुकी इक्को के ऊपर जो 5 सीटर है और हमने इसके अंदर सीएनजी किट इंस्टॉल किया है। जैसे कि आप देख सकते हैं ये बहुत ही बड़ा टैंक सिलेंडर है और हमने इसको कुछ इस तरह फिटिंग किया है कि तो टंकी की वजह से उन्हें कुछ भी तकलीफ ना हो, कुछ प्रॉब्लम ना हो। और हमने इसको स्विच यहाँ पे इंस्टॉल किया हुआ है, ये रहा इसका स्विच, यहाँ पे आप देख सकते हैं। इसको किट इंस्टॉल करते समय बहुत ही ज़्यादा हमने फिक्र की है कि किसी तरह की कोई वायर खुली ना रहे, हर वायर कंसील होए और किसी भी तरह के गाड़ी के अंदर कोई फ्लक्चुएशन ना आए। हमने इसको यहाँ पे बिठाया हुआ है फीलिंग वॉल जहाँ से गैस भरी जाती है। आप देख सकते हैं जितने भी पाइप है उन सब को कवर किया गया है ताकि एक नीट और क्लीन लुक आ जाए, दिखने में भी अच्छा लगे। तो इस तरह से यहाँ पे इसको इंस्टॉल किया गया है। अभी मैं आपको इसके इंजेक्टर बताता हूँ। तो यहाँ पे इसके इंजेक्टर हैं सीट के नीचे, ये खुल गई सीट और ये आ गए इंजेक्टर। ये 4 सिलेंडर व्हीकल है और यहाँ पर इंजेक्टर इंस्टॉल किए गए हैं। हमने बहुत ही कम फासला रखा है इनलेट बॉडी के अंदर जहाँ पे नोज़ल बैठता है और इंजेक्टर के अंदर, तो बहुत ही अच्छे से ये फिट किया गया है, ब्रैकेट लगाया गया है, किसी तरह की मूवमेंट नहीं होगी इसके अंदर फ्यूचर में भी। और जितने भी पाइप हैं जितने भी वायर हैं उन सब को कवर किया गया है स्लीव चढ़ा के ताकि एक नीट और क्लीन लुक आ जाए। अभी मैं आपका इसका रिड्यूसर बताता हूँ। रिड्यूसर हमने नीचे की तरफ इंस्टॉल किया हुआ है, तो यहाँ पे इसका रिड्यूसर फिटिंग किया गया है, ये देखिए, और प्रॉपर ब्रैकेट वेल्ड करके फिटिंग किया गया है ताकि इसके अंदर कोई मूवमेंट ना हो और एकदम फिट बैठ जाए। तो यहाँ पे रिड्यूसर फिट हुआ है, यहाँ पे वायर पूरी कंसील की गई है, यहाँ पर इसका ECM इंस्टॉल किया गया है। तो अभी इसके सुधीर सेठ आ गए हैं, ये इनकी गाड़ी है। अभी चलते हैं टेस्ट ड्राइव को और इनको पूछते हैं कि इन्हें हमारा इंस्टॉलेशन भी कैसे लगा और गाड़ी CNG पे किस तरह से वर्क करती है। वक्त हम आए इक्को के अंदर गैस डलवाने के लिए। तो कैलिब्रेशन कर रहे हैं मारुति इक्को का, जिसको हमने 48-पिन सिक्वेंशियल किट बिठाया हुआ है और बहुत ही अच्छे से वर्क कर रहा है इंजन CNG के ऊपर। आप देख लीजिए गाड़ी CNG के ऊपर ही है और ये अभी ऑटो कैलिब्रेशन शुरू है हमारा। तो इस तरह से हम लोग इसको कैलिब्रेशन कर रहे हैं। अभी ये 5 सीटर AC गाड़ी है, इसका AC भी ऑन कर रखा है। अभी ये टॉप गियर है और आराम से गाड़ी टॉप पे चल रही है, कोई भी दिक्कत नहीं है। तो चलते हैं, अब इसको कस्टमर आने वाले हैं उनको गाड़ी दिखाते हैं, उनका रिएक्शन देखते हैं क्या है हमारा इंस्टॉलेशन के ऊपर, और उन्हें पूछेंगे बाबा गाड़ी CNG के ऊपर कैसे चल रही है। पण हे साहेब आपल्याला जी इन्फॉर्मेशन देतात ती अतिशय उत्तम आहे आणि प्रत्येकाने इन्फॉर्मेशन ऐकूनच इन्स्टॉलेशन करा आणि नक्कीच चांगले इन्स्टॉलेशन तुम्हाला इथे मिळेल। आणि गाडीचं पिकअप संदर्भात बोलायचं झालं तर AC लावूनसुद्धा आपल्याला पेट्रोलसारखी परफॉर्मन्स मिळतो आहे, म्हणजेच काय आपल्याला गाडी स्मूथमध्ये चालवता येते। आणि ह्याचं श्रेय ह्या माणसाला आहे, कारण याने इन्स्टॉलेशन खूप छान केलं आहे। आणि रत्नागिरीच्या लोकांना स्पेशली सांगतो काय की त्याने इथे येऊन पूर्ण माहिती करून त्यांच्याकडे इन्स्टॉलेशन करून द्या। थँक्यू सुधीर सर, थँक्यू व्हेरी मच, डू विजिट, ओके।